नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भीड़ में खोया आदमी निबंध के विभिन्न पहलुओं पर। प्रस्तुतिकरण आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। निबंध के वाचन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस निबंध को मैंने चार भागों में विभक्त किया है। निबंध का सारांश, निबंध का उद्देश्य, निबंध के शीर्षक की सार्थकता और पात्रों का चरित्रण। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं निबंध के सारांश की तरफ। भीड़ में खोया आदमी लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा लिखित एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने आज के समय की एक महत्वपूर्ण परंतु डरावनी समस्या जनसंख्या विस्फोट से पाठकों को परिचित करवाया है। इस निबंध में लेखक ने पाठकों को बताया है कि देश की बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेखक का उद्देश्य इस निबंध के माध्यम से इस कड़वी सच्चाई को दिखाना है कि जहां एक ओर देश की जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संसाधन घटते जा रहे हैं। इस निबंध में लेखक अपने करीबी मित्र बाबू श्यामलाकांत तथा उनके परिवार के जीवन के माध्यम से वर्तमान की इस ज्वलंत समस्या को प्रस्तुत करके यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में बढ़ती जनसंख्या से देश में मौजूद आधारभूत संरचना और संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे देश का विकास प्रभावित होता है, लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आती है, देश गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है, हमारी सुविधाएं सुकुड़ने लगती हैं और दैनंदिन जीवन मुश्किल में पड़ने लगता है। विकास कार्य सुकड़ रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाओं की बात करना बेमानी हो गया है। विकास का स्थान अब विनाश ने ले लिया है। इस निबंध में लेखक अपने करीबी मित्र बाबू श्यामलाकांत की बेटी के विवाह में हरिद्वार बिना आरक्षण के ही जाने को मजबूर हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म, ट्रेन, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। उनका आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब वे स्वयं अपने मित्र के घर पर उनके बच्चों की भीड़ देखते हैं। चार लड़कियां और चार लड़के, कुल मिलाकर 8 बच्चों की फौज खड़ी कर रखी है उन्होंने, और रहने के लिए सिर्फ 2 कमरे, जो कि उन्हें बड़ी मुश्किलों से मिले हैं। श्यामलाकांत की पत्नी की दुर्बलता देखकर लेखक ने अस्पताल जाने की सलाह दी, तो पता चला कि अस्पताल में अत्यधिक मरीजों की भीड़ की वजह से अब इलाज ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। गंदगी, दूषित वातावरण, संकीर्ण मकानों और कुपोषण से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और फिर इतने बड़े परिवार में आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है। बाबू श्यामलाकांत जी का बड़ा बेटा पढ़ा लिखा है परंतु बेरोजगार है, और दूसरा बेटा सुमंत राशन की दुकान और घर गृहस्थी के सामान लाने में पूरा पूरा दिन बर्बाद करता रहता है, परंतु फिर भी सारा सामान लाने में असमर्थ रहता है। संसाधन कम व जरूरतें अधिक होने की वजह से पूरा परिवार परेशानियों का सामना कर रहा है। लेखक इस समस्या को देख बड़े गंभीर हो उठते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नियम, व्यवस्था, अनुशासन का पालन ना होना, यातायात में अव्यवस्थाएं होना, रोजगार की कमी, आवास की कमी, भोजन की कमी, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की कमी, उपभोक्ता सेवाओं की कमी, कचहरी, दफ्तर, अस्पताल, स्टेशन आदि पर समय, शक्ति और धन का अव्यय, ये सभी समस्याएं देश की बढ़ती आबादी का ही दुष्परिणाम है। श्यामलाकांत बाबू जैसे लोग यदि परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझे और इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो हम विकास एवं प्रगति से होने वाले लाभों से वंचित रह जाएंगे और भीड़ में कहीं खो जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पहलू की तरफ, निबंध का उद्देश्य। भीड़ में खोया आदमी निबंध के माध्यम से लेखक ने जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की ओर संकेत किया है। जनसंख्या वृद्धि पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करती है। कुपोषण, अशिक्षा, दुर्घटना,
अशांति, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी एवं गंदगी जैसी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम हैं, जो देश की प्रगति में बाधक हैं। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक और सरकार को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जनता के मन में जागरूकता लाना, आबादी नियंत्रण करने के महत्व को समझाना ही इस निबंध का उद्देश्य है। जनसंख्या नियंत्रण न केवल स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा, बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम व नीतियां बनानी चाहिए। शिक्षा के स्तर बढ़ाकर जागरूकता अभियान के माध्यम से परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों को जन आंदोलन का रूप देकर लोगों को समझाना कि सीमित परिवार ही सुख का मूल आधार है, यही इस निबंध का परम उद्देश्य है। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं निबंध के शीर्षक की सार्थकता की तरफ। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने जनसंख्या वृद्धि पर आधारित आरंभ से अंत तक देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे घर, स्टेशन, अस्पताल, रोजगार कार्यालय, राशन की दुकान, दफ्तर, कचहरी आदि में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाया है। व्यक्ति अपना धन, समय और शक्ति खर्च करके भी अपना कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है और आम आदमी अपनी मूलभूत सुविधाएं तक भी नहीं जुटा पा रहा है। अतः यह देखकर लगता है कि इन समस्याओं को तलाशता हुआ आदमी इस भीड़ में कहीं खो जाता है, उसका जीवन इस भीड़ में ही उलझ कर रह जाता है और उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट सा जाता है। अतः यह शीर्षक भीड़ में खोया आदमी उत्सुकता जगाने वाला एक योग्य, उचित एवं पूर्णता सार्थक है। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं अन्य पहलू की तरफ, जो है निबंध में आए पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में। इस निबंध में मुख्य पात्र के रूप में बाबू श्यामलाकांत जी हैं। बाबू श्यामलाकांत जी लेखक के करीबी मित्र हैं। वे सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार व्यक्ति हैं, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं। वे आयु में तो लेखक से छोटे हैं, परंतु परिवार बहुत बड़ा है। वे 8 बच्चों के पिता हैं। उनके पास मात्र 2 कमरों का मकान है और सीमित साधन होने की वजह से वे अपना परिवार सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हैं। उनका बड़ा बेटा रोजगार की तलाश में भटक रहा है और दूसरा बेटा घर गृहस्थी के सामान जुटाने में संघर्ष कर रहा है, और वे बड़े संघर्षपूर्ण ढंग से अपनी बड़ी बेटी के विवाह की तैयारियों का प्रबंध कर रहे हैं। वे परिवार नियोजन के महत्व से अनभिज्ञ रहे और अब वे एक बड़े परिवार की विपदा स्वयं झेल रहे हैं। अगले पात्र के रूप में यहाँ हैं बाबू श्यामलाकांत जी की पत्नी। वे एक आदर्श भारतीय नारी होते हुए भी सीमित परिवार के महत्व से अनजान रही। वे स्वयं अस्वस्थ होते हुए पूरे परिवार की सेवा में तन मन से जुटी रहती हैं, साथ ही साथ मेहमानों की खातिरदारी भी बखूबी करती हैं। वे अपने बड़े परिवार और सीमित साधनों के बीच सामंजस्य बिठाते बिठाते स्वयं के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करती रहीं, और अब उनका शरीर दुर्बल, चेहरा कांतिहीन और पीला पड़ गया है। अन्य पात्र के रूप में यहाँ दीनानाथ हैं। दीनानाथ बाबू श्यामलाकांत जी का बड़ा बेटा है। वह संस्कारवान है। वह अपने पिता के मित्र को लेने स्वयं स्टेशन जाता है और आतिथ्य का पूरा ध्यान रखता है। वह पढ़ा लिखा युवक है, परंतु 2 वर्षों से नौकरी की तलाश में लगातार भटक रहा है। रोजगार कार्यालयों में जा जाकर उसके जूते घिस गए, परंतु आज भी वह बेरोजगार है। उसका छोटा भाई सुमंत घर के अन्य कामों में उसकी मदद करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।